पावर हमारे किसान साथियों को और जो बड़ी समस्या आ रही है, केमिकल खेती से प्रोडक्शन कम हो रहा है, समय पे खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है और देश पे भी आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, उसी श्रृंखला में हमने ये दानेदार खाद तैयार की है जो कि सब्जी और फलों के जो हिस्सा बच जाता है उनको प्राकृतिक रूप से गलाकर बायोगैस बनाकर उससे तैयार की गई है। पाउडर आता है उसको हमने लिक्विड इसको दानेदार रूप में ले आए हैं और उसी के साथ जो लिक्विड आता है उसको हम लिक्विड फॉर्म में ले आए हैं, दोनों फॉर्म में दोनों ही। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे जो बात की जाए क्या क्या है, तो इसके अंदर आपका नाइट्रोजन पोटाश वगैरह जितने भी पोषक तत्व हैं सभी हैं इसके अंदर, तो जिंक, कॉपर जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, सल्फर और ये ऑर्गेनिक कार्बन जो कि 7.9% है। किन किन फसलों में किस किस तरीके से काम करती है जी? तो दानेदार खाद की बात की जाए तो ये प्रति एकड़ 25 से 30 किलो की मात्रा से आप लगा सकते हैं। इसको आप खेत की खेत तैयार करते समय पहले पानी दूसरे पानी के अवस्था पे दे सकते हैं और इस खाद को आप बाकी दूसरी खादों के साथ मिलाकर भी खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और रही बात लिक्विड की, तो एक लीटर प्रति एकड़ की मात्रा से आप खेत में स्प्रे करके या पानी में मिलाकर दे सकते हैं। इसे हम यूरिया के साथ मिला के दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसको यूरिया या बाकी जो हम खाद या मिनरल डालते हैं उनके साथ मिलाकर दे सकते हैं और उसी और खेत में बिजाई के साथ भी आप इसको दे सकते हैं। इसीलिए हमने इसको दानेदार रूप से बनाया है ताकि आप मशीन से बिजाई करते हैं और खाद लगानी है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। एनपीके डीएपी की तरह आप बोल सकते हैं? हाँ जी, इसका हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ये डीएपी एनपीके का सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जी, जितनी मात्रा में पोषक तत्व डीएपी, बोरोन, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह बाकी देते हैं उतनी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अवस्था में ये पौधे को उपलब्ध कराती है। एक एकड़ में कितना खर्चा आता है? एक एकड़ की बात की जाए तो प्रति एकड़ बैग का जो प्रति एकड़ खर्चा है इसका दानेदार खाद का है वो 1150 रुपये है और लिक्विड का जो है वो 700 रुपये प्रति लीटर है जो प्रति एक एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है। ये जी पावर का जो प्रोडक्ट है जी वो कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है? इसको हमने जैसा आप देख पा रहे हैं ये भारत सरकार द्वारा जीएमपी सर्टिफाइड आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और इसको अभी हम सभी किसान साथी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में यूज़ कर रहे हैं और आने वाले समय में निकट भविष्य में हम इसको सरकारी माध्यम के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध करवाएंगे। अभी तक किन किन फसलों में इसके रिजल्ट बेटर देखने को मिले हैं? बात की जाए कहाँ किन किन फसलों में इसका रिजल्ट हमने करके देखा है, तो आमतौर पर जब हम खाद का बनाने की प्रक्रिया होती है तो इसमें लगभग सभी फसलों को कवर किया जाता है, पर सबसे बढ़िया रिजल्ट जो हमको अभी इसमें मिले हैं उसमें आलू, गन्ना, गेहूँ, सरसों और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ और फल वाले पौधों के लिए हमको इसको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं।